All right, balance of payment. We know that every country enters into economic transactions with other countries. Her country ka rest of the world ke saath kuch len den rehta hai. Koi bhi country independent nahi hai. Jaise hum India mein crude oil import karte hain, theek hai? Kuch countries humse क्लॉथ लेती हैं, कॉटन लेती हैं, जूट लेती हैं, डायमंड्स लेती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेती हैं। तो इसका मतलब हर कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई ना कोई ट्रांजैक्शंस चलती रहती हैं। उन ट्रांजैक्शंस का हमें एक रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, उसकी समरी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट समराइजेस the transactions of a country with rest of the world. It's a systematic record basically. ठीक है, accounting statement है ये. कौन सी accounting statement है? जिस तरह से आप अपनी business form में अपनी transactions को record करते हो, bookkeeping करते हो ना बेटे, accounting statements बनाते हो, आपको पता चले आप profit में हो, loss में हो, आपके कितने assets हैं, आपकी कितनी liabilities हैं, आपके पास कितना cash है, आपके पास कितना रिजर्व है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। उसी तरह से गवर्नमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाती है जिसमें अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड करती है, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, अब मैंने कहा ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, मतलब वी फॉलो सम सिस्टम वाइल रिकॉर्डिंग ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स। हाउ डू वी डू दैट? वी कैटेगराइज दीज ट्रांजेक्शन्स और वी कैटेगराइज बैलेंस ऑफ पेमेंट इनटू टू सब पार्ट्स। वन विच इज कॉल्ड एज करेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन current account and another which is known by the name of balance of payment on capital account. yani naam se pata chal raha hai hum isme current account transactions record karte hain, isme hum capital account ki transactions record karte hain. sabse pehle ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है? कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है, कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, क्रेडिट डेबिट, जो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं उन आइटम्स को हम पॉजिटिव आइटम्स भी कह देते हैं, जिनको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं उनको नेगेटिव आइटम्स भी कह देते हैं। इन दोनों का डिफरेंस बैलेंस, नेट क्रेडिट माइनस डेबिट, ये फॉर्मेट है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। यू बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट्स, इट्स नॉट न्यू फॉर यू, इज इट? हियर वी राइट डाउन द पर्टिकुलर्स, हियर क्रेडिट डेबिट। What is recorded in credit side? All transactions which result in inflow of foreign exchange, ऐसी transactions जिनके करके हमारी country में foreign exchange आती है, inflow होता है, उनको हम credit side record कर देते हैं। And all the transactions which result in outflow of foreign exchange, that is recorded in debit side. Clear hai funda? Inflow hai credit side, outflow hai debit side. ठीक है, पता है सबको ये बात का? जिनके करके inflow होता है उनको हम positive items भी कह देते हैं, जिनके करके foreign exchange बाहर जाती है country से उनको हम negative items भी कह देते हैं। ठीक है, अब इतना पता चल गया क्रेडिट में क्या आना है, डेबिट में क्या आना। अब हजारों तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं बेटे,
उनमें से कुछ को हमने रिकॉर्ड करना है करंट में, कुछ को कैपिटल. कैसे रिकॉर्ड करेंगे? करंट में कौन सी आएंगी? वो ट्रांजेक्शंस जिनके करके, बेटे आपको ये भी बात पता होनी चाहिए, ट्रांजेक्शन सिर्फ गवर्नमेंट नहीं करती, रेजिडेंट्स भी करते हैं. चाहे वो रेजिडेंट करे ट्रांजेक्शन, चाहे गवर्नमेंट करे, वो रिकॉर्ड यहाँ पे बीओपी में होनी है. ठीक है. अब ऐसी ट्रांजेक्शन जिस करके रेजिडेंट्स या गवर्नमेंट का एसेट या लायबिलिटी स्टेटस अफेक्ट नहीं होता, विच डू नॉट अफेक्ट एसेट और लायबिलिटी स्टेटस ऑफ रेजिडेंट्स और गवर्नमेंट, दीज आर रिकॉर्डेड इन बीओपी ऑन करंट अकाउंट. दीज आर शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शंस. ठीक है. एसेट लायबिलिटी स्टेटस को ये अफेक्ट नहीं करती. Got it? What are these transactions? These transactions are broadly categorized into three categories. Number one, yes, export and import of visible items. Visible items means goods which can be touched, which can be seen. कोई भी गुड, आप वॉच इंपोर्ट करते हो स्विट्जरलैंड से, आप टी शर्ट्स इंपोर्ट करते हो थाईलैंड से, आप क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हो सऊदी अरेबिया से, ये सारे गुड्स हैं. अगर आप इनको इंपोर्ट करते हो तो आपको फॉरेन एक्सचेंज पे करनी पड़ेगी, आउटफ्लो होगा, इट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड. इफ यू एक्सपोर्ट से कॉटन, सिल्क, वूल, जूट, एनीथिंग, इट विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इट विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड. इवन इफ यू आर इंपोर्टिंग मशीनरी फ्रॉम जर्मनी, आपने मशीनरी इंपोर्ट की जर्मनी से, ये कहां आएगी? पहले बताओ, करंट अकाउंट में आएगी या कैपिटल में? करंट में कि कैपिटल? ऑल ऑफ यू आर ऑफ द सेम व्यू, करंट अकाउंट. कैपिटल में आएगी, क्यों? ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? एनीवन? कैपिटल के फेवर में कोई नहीं है? करंट अकाउंट? करंट अकाउंट में आएगी. क्यों? जब आप मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हो बेटे, आप किससे ले रहे हो? जर्मनी से. जर्मनी की एक फर्म है जो मशीन्स बनाती है, उसके लिए मशीन क्या है? गुड है. वो गुड्स है, इन्वेंट्री है उसके पास, मशीन्स. ठीक है ना? तो इट इज अ कैपिटल गुड, सो गुड्स आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट. इसने कैपिटल क्यों बोला? जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्योंकि लगता है मशीनरी एक इन्वेस्टमेंट है. नहीं, मशीनरी एक गुड है, बट इट इज अ कैपिटल गुड. बट गुड्स तो गुड्स हैं, कोई कैटेगराइजेशन नहीं. चाहे कंज्यूमर गुड्स एक्सपोर्ट करो, चाहे कैपिटल गुड्स एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करो, दे आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट ऑफ बीओपी. ठीक है. इस अकाउंट को हम मर्केंडाइज अकाउंट भी कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज मर्केंडाइज अकाउंट? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट या बोरोइंग्स. मर्केंडाइज अकाउंट किसको कहते हैं? बोलो बेटे, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स. ठीक है. सेकेंड, एक्सपोर्ट. अच्छा, अब इसके बैलेंस को, बैलेंस मींस डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड. मैं अगर बोलूं इंडिया का ट्रेड बैलेंस माइनस 300 करोड़ है, इसका मतलब इंडिया में
गुड्स का एक्सपोर्ट कम है और गुड्स का इंपोर्ट 300 करोड़ से ज्यादा है. ओनली गुड्स. बैलेंस ऑफ ट्रेड सिग्निफाइज डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स ओनली. याद रहेगा. नेक्स्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स. व्हाट आर इनविजिबल आइटम्स? सर्विसेज, ऑल काइंड्स ऑफ सर्विसेज. बेटे 1991 के बाद से जब हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की तब से सर्विसेज का ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ गया है. इससे पहले भी ट्रेड होता था कंट्री में लेकिन गुड्स का होता था. मेन कंपोनेंट क्या थे? गुड्स थे. सर्विसेज में सिर्फ शिपिंग, बैंकिंग, ये सर्विसेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती थी. लेकिन आज सर्विसेज का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है. हम सर्विसेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. एक फैक्टर सर्विसेज, दूसरी नॉन फैक्टर सर्विसेज. फैक्टर सर्विसेज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. आई एम अ लेबर, आई प्रोवाइड माय सर्विसेज ऑनलाइन टू फॉरेन स्टूडेंट्स. दिस इज व्हाट एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विस. क्या है ये? एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विस. ओके, दैट रिमाइंड्स मी बेटे, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग. मैंने कल एक मैसेज भेजा था, उसमें एक वेबसाइट थी सीबीएसई करियर गाइडेंस पोर्टल. ऑल ऑफ यू आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर योरसेल्फ. इट्स अ 1 मिनट जॉब, बिलीव मी. ठीक है, लॉग इन करना है. उसमें वो आपसे पूछे, वो आपने लिंक डालना है, वो आपसे पूछेंगे लॉग इन एज टीचर और स्टूडेंट. आपने एज ए स्टूडेंट पूछ लेना है, डाल देना है. पूछेंगे आपको कौन सा करियर ऑप्शन, आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, आप कॉमर्स कर देना. बाकी कुछ पर्टिकुलर्स, नेम वगैरह पूछेंगे, दैट यू फिल इन. यू कैन गेट इट रजिस्टर्ड टूडे ऑनली. एंड बिलीव मी द पोर्टल इज वेरी वेरी कॉम्प्रीहेंसिव. मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कि कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमने आगे कौन सा करियर ऑप्ट करना है. तो नंबर ऑफ करियर चॉइसेस आर देयर फॉर यू. और उस डिग्री के बाद आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म निकले हुए हैं वो भी रियल टाइम में वो अपडेट करते रहते हैं कि आप अभी यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए. बट यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ टू टेक इट्स बेनिफिट. ठीक है, सीबीएसई ने आपके लिए ये कंपल्सरी किया है और आपको, आपके लिए काफी बेनिफिशियल है. सो प्लीज डू दैट टुडे बाय ऑल मींस. मैं ग्रुप की सेटिंग चेंज कर दूंगी, जो जो स्टूडेंट करता जाएगा मेरे को लिखता जाएगा रजिस्टर्ड. ठीक है, ऑल राइट. सो इफ आई एम प्रोवाइडिंग माय सर्विस टू से यूएस स्टूडेंट, दिस इज एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज. इन रिटर्न आई विल बी गेटिंग फॉरेन एक्सचेंज, इट विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड. सिमिलरली मैं एक लैंडलॉर्ड हूं, मैंने अपना लैंड यूएस में यूएस एम्बेसी को दिया हुआ है या कोई भी एम्बेसी को दिया हुआ है या किसी को भी दिया हुआ है, उससे मेरे को रेंट आ रहा है. अगेन दिस इज अ एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विस. इससे जो मेरे को इनकम आएगी वो फैक्टर इनकम होगी. नॉन फैक्टर सर्विसेज आर लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस. सो एनी काइंड ऑफ सर्विस इफ इट इज एक्सपोर्टेड रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड, इफ इट इज इंपोर्टेड इट इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड. नाउ विच इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ बीओपी ऑन करंट अकाउंट? एनीवन? एनीवन? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स. यूनिलेटरल का मतलब वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स. कौन सी होती है दो कंट्रीज के बीच में? गिफ्ट, ग्रांट्स, डोनेशंस, रिमिटेंसेस,
WHO ने इंडिया को ग्रांट दी कोविड विक्टिम्स के लिए, दिस इज व्हाट, यूनिलेटरल ट्रांसफर, गॉट इट। सो अगर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का इनफ्लो आता है इट विल बी रिकॉर्डेड इन, और अगर आउटफ्लो होता है तो डेबिट साइड, ठीक है। तो ये जो क्रेडिट आप ऐड कर लीजिए, लेट अस सी, आया 1000, डेबिट आया 800, बैलेंस कितना आया, इसको क्या नाम देंगे, दिस इज व्हाट, टोटल मैंने बोला है, इट इज बीओपी ऑन करेंट अकाउंट, क्या है ये। अब ये सरप्लस में है कि डेफिसिट में है, तो इसको हम कह देते हैं करेंट अकाउंट सरप्लस कैश। दिस इंप्लाइज दैट दिस कंट्री इज अ नेट लेंडर टू अब्रॉड, ये देनदार नहीं है ये लेनदार है टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, देनदार, राइट, क्रेडिटर, लेंडर। और अगर ये ऐसे आए 1000 1800, ये है इनफ्लो, ये है आउटफ्लो, बैलेंस कितना हुआ, ये क्या है, डेफिसिट। तो इसको क्या बोलेंगे, कैड, करेंट अकाउंट डेफिसिट। इट इंप्लाइज दैट द कंट्री इज अ नेट बोरोअर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इज इट क्लियर, नेट बोरोअर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि आ रहा है 1000 रुपए, दे रही है 800, तो नेट बोरोअर हुई ना, गॉट इट, ऑल राइट। रेस्ट ट्रांजेक्शंस दे आर रिकॉर्डेड इन बीओपी ऑन कैपिटल अकाउंट। कौन सी ट्रांजेक्शन हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे, विच अफेक्ट एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ रेजिडेंट्स और गवर्नमेंट। मेनली दो तरह की ट्रांजेक्शन, यस लगन, दो तरह की ट्रांजेक्शन होती हैं। नंबर वन, बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स। अगर आप दूसरी कंट्री से बोरो करते हो, आपकी लायबिलिटी क्रिएट होती है या नहीं, तो इसको किस में रिकॉर्ड करना है, बीओपी ऑन कैपिटल अकाउंट। बोरोइंग्स प्राइवेट सेक्टर भी करता है, गवर्नमेंट भी करती है। प्राइवेट सेक्टर की बोरोइंग्स को हम कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। व्हाई एक्सटर्नल, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कर रहे हैं, इंटरनली थोड़ी ना ले रहे हैं, बाहर से जाके ले रहे हैं। व्हाई कमर्शियल, प्रॉफिट के लिए ले रहे हैं बोरोइंग्स। दीज आर अवेलेबल टू द प्राइवेट सेक्टर एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी अगर आप यूएस से जाके बोरोइंग्स लोगे अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए, तो आपको वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बोरोइंग्स दे देंगे। अब गवर्नमेंट को भी जरूरत पड़ती है बोरो करने की। गवर्नमेंट जो बोरोइंग करती है उसको कहते हैं ऑफिशियल असिस्टेंस, एक्सटर्नल कह लो, एक्सटर्नल असिस्टेंस, एक्सटर्नल ऑफिशियल असिस्टेंस, ठीक है। बिकॉज यहां पर एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से असिस्टेंस मांग रही है, तो गवर्नमेंट उसको दे देगी बोरोइंग्स, बट एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पे उसको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बोरोइंग्स मिल जाएंगे, ठीक है। So, कोई भी बोरोइंग हो बेटे, लाइबिलिटी क्रिएट होती है। अगर बोरोइंग ले रहे हो तो इनफ्लो होगा क्रेडिट साइड, दे रहे हो तो
आउटफ्लो होगा विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड. गॉट इट? ऑल राइट. नेक्स्ट, इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अब इंडिया में इतनी सारी एमएनसीज हैं या नहीं? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. यस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है. एक एफडीआई. एमएनसीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एफडीआई. डिफाइन कैसे करते हैं एफडीआई को? फुल फॉर्म क्या है? डिफाइन कैसे करते हैं? सच इन्वेस्टमेंट विच लीड्स टू ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ एसेट इन फॉरेन कंट्री. सैमसंग ने इंडिया में अपना प्रोडक्शन यूनिट सेटअप किया. सैमसंग की ओनरशिप है एसेट के ऊपर, कंट्रोल भी है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को कहते हैं एफडीआई. सैमसंग ने टाटा कंपनी के शेयर्स खरीद लिए 10%. ओनरशिप है सैमसंग की, शेयर खरीदे हैं, कंट्रोल नहीं है. ऐसी इन्वेस्टमेंट को कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अगर फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं तो इनफ्लो होगा रिकॉर्डेड इन. अगर इंडियन कंपनी फॉरेन में इन्वेस्ट करती हैं तो आउटफ्लो होगा रिकॉर्डेड इन डेबिट. ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो होगी लेकिन इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आएगी, टाटा ने यूएस में कंपनी खोली, 10,000 करोड़ रुपए लगा दिए, उससे हर साल उनको 1,00,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड आ रहा है. इनफ्लो बट इट विल बी रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट. फैक्टर इनकम है, एंटरप्रेन्योरशिप से आ रही है. ठीक है, सो मतलब आउटफ्लो भी इनफ्लो लेके आता है. ठीक, पता चल गया यहां तक? अब इसका भी बैलेंस देख लो कितना है. सपोज करो ये आया 2,000 रुपए. ठीक है, ये आया 3,000 रुपए. बीओपी ऑन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना आया? -1,000. टोटल कितना बैलेंस आया? -1,800. 200 करंट अकाउंट का, 800 करंट अकाउंट का घाटा था, 1,000 कैपिटल अकाउंट का घाटा है. लेकिन अकाउंटिंग सेंस में हम बीओपी को हमेशा बैलेंस कहते. क्यों है इसको? बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस मींस इनफ्लो शुड बी इक्वल टू आउटफ्लो, यानी इनफ्लो माइनस आउटफ्लो शुड बी इक्वल टू जीरो. बैलेंस कैसे करेंगे? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन से. ये 1,800 रुपए का घाटा है, गवर्नमेंट को बढ़ रहा है. गवर्नमेंट आरबीआई को बोलेगी आपके पास ये जो हमने रिकॉर्ड बनाया है, सारी जो इनफ्लो है, इनफ्लो किसके पास आती है? आरबीआई को दे दी जाती है. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, किस कौन है इसका कस्टडियन? आरबीआई. तो अगर अभी यहां पर घाटा पड़ गया तो आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ी हुई है. यस, वो उस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से जितने का घाटा है उतना गवर्नमेंट को दे देगा? दे देगा?
गवर्नमेंट के लिए वो क्या हुआ, इनफ्लो विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड. तो यहां पर 800 करोड़ रुपए क्रेडिट साइड में आ गए, अठारह सौ रुपए का घाटा था. अब बैलेंस कितना हो गया, लेकिन ये जो इनफ्लो हुआ बीओपी में क्रेडिट आइटम हुई, उसके करके आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर क्या असर पड़ा, उनमें से विथड्रॉल हुआ, उनमें से क्या हुआ, सो विच मींस एनी विथड्रॉल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ आरबीआई विल एक्ट एज ए क्रेडिट आइटम इन इंडियाज बीओपी. उनका विथड्रॉल और गवर्नमेंट के लिए वो इनफ्लो क्रेडिट आइटम, ठीक है. ऑन द अदर हैंड अगर ये बैलेंस पॉजिटिव होता, 1800 करोड़ रुपए होता, माइनस नहीं होता, फिर क्या करती गवर्नमेंट, आउट डेबिट कर देती, 1800 डेबिट करेगी तो ही बैलेंस जीरो आएगा. 1800 किसको दे देगी, आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज में क्या हो जाएगी, एडिशन. एनी एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स विल बी शोन हियर एज डेबिट आइटम, ठीक है. सो इसको बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस. समटाइम्स दे आर शोन एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, समटाइम्स दे आर शोन एज अ सेपरेट अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ठीक है. यहां तक किसी को कोई डाउट बेटे, हाउ मच टाइम इज देयर, ओके. ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन विल डू टुमारो.